तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिंगल स्पीड कूलर मोटर का कनेक्शन रोटरी स्विच के साथ कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिंगल स्पीड जो कूलर मोटर होता है उसका वायरिंग इस रोटरी स्विच के साथ करके दिखाऊंगा कि जो हमारे सिंगल स्पीड मोटर के अंदर से जो हमारे दो वायर बाहर निकला होता है। देखिए एक जो हमारा होता है थ्री स्पीड का मोटर होता है, कूलर मोटर होता है, उसमें से हमारा क्या होता है टोटल चार वायर बाहर निकलता है। जो हमारा सिंगल स्पीड का कूलर मोटर है उसमें से हमारा देखिए यहाँ पे क्या होता है दो वायर बाहर निकलता है जिससे कि हमको इसको चलाना होता है। साथ ही यहाँ पे जो आप दो वायर देख रहे होंगे इसमें क्या होता है हमारा कैपेसिटर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको इसको कंप्लीट रोटरी स्विच के साथ इसको कैसे वायरिंग करते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके पहले हमने कूलर को कैसे वायरिंग करते हैं, थ्री स्पीड कूलर का वायरिंग कैसे होता है, सिंगल स्पीड कूलर का वायरिंग कैसे होता है, सबके ऊपर वीडियो बनाया है। आपको वीडियो आई बटन में भी मिल जाएगा, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैं ओनली सिंगल स्पीड मोटर का मैं आपको रोटरी स्विच कनेक्शन करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी कूलर में इस टाइप का मोटर लगा के अगर उसमें इस टाइप का रोटरी स्विच लगाए, कोई भी रोटरी स्विच लगाए, तो आप उसमें आसानी कनेक्शन कर पाइएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अभी देखिए यहां पे हमारा क्या है एक रोटरी स्विच है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो क्या है चार पॉइंट लगा हुआ है। किसी किसी रोटरी स्विच में क्या होता है हमारा तीन पॉइंट रहता है, किसी किसी रोटरी स्विच में देखिएगा तो केवल दो पॉइंट रहेगा, लेकिन अभी जो मेरे पास रोटरी स्विच है इसके अंदर क्या है हमारा टोटल चार पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर आपके कूलर में इस टाइप का रोटरी स्विच अगर लगा हुआ है तो आप उसमें कैसे सिंगल स्पीड वाला कूलर मोटर का कनेक्शन करिएगा वो चीज मैं बताऊंगा। चलिए मैं इसका अभी कनेक्शन शुरू कर लेता हूं। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज रोटरी स्विच पर लिखा हुआ आपको एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में। आप देखिए यहां पे जो रोटरी स्विच देख रहे होंगे इसमें देखिए क्या होता है हमारा चार पॉइंट रहता है, ठीक है। इस चार पॉइंट में हमारा क्या है देखिए यहाँ पे कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक नंबर लिखा है, यहाँ पे दो नंबर लिखा है, यहाँ पे तीन नंबर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है एल लिखा हुआ है। तो हमारे रोटरी स्विच में ये नंबर क्यों लिखे होते हैं, इनके क्या मतलब होते हैं, देखिए जो हमारा एल वाला पॉइंट रहता है इसमें हमको क्या करना होता है रोटरी स्विच में सप्लाई देना होता है। जो भी आपका 220 वोल्ट का सप्लाई रहेगा उसको क्या करना है आपको लाकर रोटरी स्विच में एक आपको फेस सप्लाई को या न्यूट्रल सप्लाई किसी भी एक सप्लाई को आपको एल वाला पॉइंट में देना होता है, ठीक है। जब आप एल वाला पॉइंट में जब यहाँ पर सप्लाई दीजिएगा तो यही से क्या होगा हमारा रोटरी स्विच एक नंबर दो नंबर तीन नंबर इसी में हम मोटर का तार का कनेक्शन करेंगे और इसी से हमारा क्या होगा आउटपुट होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसे मोटर का कनेक्शन करके आपको बताता हूं कि इसमें आपको कैसे मोटर का कनेक्शन करना है। अभी देखिए जो हमारा सिंगल स्पीड कूलर मोटर है ये हमारा क्या है रिवाइंडिंग मोटर है, मतलब हमारा नया मोटर नहीं है। अगर आपके पास नया मोटर है तो भी रिवाइंडिंग मोटर है तो भी मैं दोनों को बता देता हूं। तो यहां पर देखिए हमारा रिवाइंडिंग हो चुका है, मतलब एक बार जला हुआ था तो हमारा रिवाइंडिंग होकर आया है। तो उस टाइम में क्या होता है हमारा कलर जो भी वो लोग के पास होता है वो डाल देते हैं, तो एक कलर से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपका अगर नया वाला मोटर में कोई भी कलर है तो आप उसी हिसाब से करिए। इसमें दो ही तार होता है, या तो रेड ब्लैक हो सकता है या येलो ब्लैक हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, उससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, कनेक्शन सबका सेम ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए हमारा जो कूलर मोटर होता है जो कि हमारा सिंगल स्पीड का कूलर मोटर होता है उसका हमको क्या करना है एक वायर ले लेना है। जैसे कि हमने देखिए इसका एक वायर ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जो हम इसमें पावर सप्लाई देंगे, जैसे कि हम इसमें जो सप्लाई देंगे 220 वोल्ट का इस मोटर को हम चलाने के लिए, तो वो जो हमारा पावर केबल है देखिए हमारे पावर केबल इसी से हम इसको सप्लाई देंगे। तो इसके साथ हम क्या करेंगे इसका कनेक्शन करेंगे, तो उसको हम पहले क्या करेंगे अपना इस कूलर मोटर का एक वायर, जैसे कि देखिए हम एक वायर इसका ले रहे हैं और एक वायर क्या कर रहे हैं जो हमारा पावर केबल है उसका ले रहे हैं, और ये दोनों को क्या करेंगे हम आपस में इसे जोड़ देंगे, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है जोड़ के टेप को अच्छा से लगा दीजिए, नहीं तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बढ़िया से टेप को लगाना है। इसको देखिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर टेप लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास बच जाता है मात्र दो वायर, यहां पर आप देख रहे होंगे दो वायर, यहां पर जो दो वायर मोटर का देख रहे होंगे इसमें हमारा क्या होगा कैपेसिटर का वायर जुड़ेगा। इसमें आपको कैपेसिटर जोड़ के छोड़ देना है, जैसे कि हम देखिए यहां पे जोड़ के छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा दो वायर है अब इसको हम रोटरी स्विच में कैसे कनेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था जो कि हमारा एल होता है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर, तो आपको एल वाला पॉइंट में क्या करना है जो कि आपका सप्लाई का केबल है इसको आपको ला के क्या करना है एल वाला पॉइंट में यहां पर जोड़ देना। तो जैसे चलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं एल वाला में अपना सप्लाई का केबल ला के जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो 220 सप्लाई है जिसका कि हमने एक वायर यहां पर मोटर का एक पॉइंट में डाला था और दूसरा वाला जो रहेगा हमारा रोटरी स्विच का एल वाला पॉइंट में लग जाएगा, ठीक है। आप एल दे दिए, वहां से क्या करना है आपको जैसे यहां पे एक नंबर जो यहां पे वायर है देखिए यहां पे जो एक नंबर जो कनेक्टिंग है आपको क्या करना है इसको एक नंबर में इसे कनेक्शन कर देना है, ठीक है। यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे एल में हमने जोड़ा है, एक नंबर में हमने जोड़ा है, ये हमारा दो नंबर है, ये हमारा तीन नंबर है, ठीक है। आपको क्या करना है एक ऐसे तार का छोटा सा लूप लेना है, जैसे कि हम देखिए यहां पे एक लूप लिए हैं। लूप लेने के बाद जो यहां पे एक नंबर में आप मोटर का वायर जोड़े थे इसी में क्या करना है इस लूप को भी लगा के आपको एक बार पहले जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर जोड़ दे रहे हैं। उसके बाद देखिए आप इसको रोटरी स्विच में कहां पर आपको कनेक्शन करना है तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो आप समझ गए होंगे ये आपका दो है तो आपको यहाँ पे जोड़ के यहाँ से आउटपुट होगा और आपका मोटर चलेगा। अगर वहीं चार पॉइंट है तो उसके लिए क्या करना है आपको एक नंबर में यहाँ पे जोड़ना है और दो नंबर को छोड़ के आपको क्या करना है तीन नंबर के साथ इसको लूप कर देना है। जैसे कि देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे तीन नंबर में इसका लूप कर रहे हैं, ठीक है।
वो दो नंबर क्यों छूटता है मैं वो चीज़ भी आपको बता देता हूँ। हम इस लूप को इसमें नहीं लगाते हैं, इसमें क्यों लगाते हैं रोटरी स्विच में, वो क्या होता है, देखिए जो हमारा ये रोटरी स्विच होता है, एक बार में देखिए हमारा यहाँ पे ऑन होगा फिर ऑफ होगा फिर ऑन होगा फिर ऑफ होगा, मतलब देखिए यहाँ पर एक बार घूमेगा तो यहाँ से यहाँ सप्लाई मिलेगा ऑन होगा, फिर यहाँ से यहाँ कट हो जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ घूमेगा तो ये सप्लाई यहाँ मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर ऑन होगा, मतलब एक बार यहाँ पर भी ये ऑफ होता है, मतलब दो बार ऑफ होता है दो बार ऑन होता है। जो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो समझ गए होंगे, आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो फोर पोल का जो रोटरी स्विच होता है इसमें हमारा सिंगल स्पीड कूलर मोटर का कनेक्शन होता है, आप कूलर में भी इसको फिटिंग करके आप ऐसे ही इसका वायरिंग करिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको एक बार आपको चालू करके दिखाते हैं हमारा कैसे काम करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे इसमें एक बार सप्लाई को चालू करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ हम चालू कर रहे हैं, हमारा देखिए यहाँ पे कूलर मोटर ऑन हो रहा है, जैसे कि यहाँ से हमारा रोटरी स्विच क्या है ऑन हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही देखिए जैसे हम यहाँ से इसको जैसे घुमाएंगे, जैसे मान लीजिए हम एक बार इसको क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ से हम एक बार इसको पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ से पकड़ के देखिए जैसे घुमा रहे हैं यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है ऑफ हो रहा है, और फिर यहाँ से जैसे हम घुमा रहे हैं देखिए हमारा ऑन हो रहा है, मतलब दो साइड ऑन हो रहा है और देखिए हमारा दो साइड क्या हो रहा है ये ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फोर पोल का रोटरी स्विच का कनेक्शन होता है सिंगल स्पीड कूलर मोटर में। तो उम्मीद है दोस्तों आप वीडियो समझ गए होंगे, फिर भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको कमेंट करेगा, मैं आपका जरूर हेल्प करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।